चलिए भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। तो काफ़ी दिनों से आप सभी लोगों के बीच में क्लास नहीं हो रही थी। एक बार साउंड वगैरह का बता दीजिएगा आप सभी लोग, आवाज़ वगैरह ठीक ठाक आ रही है? चूंकि आज कोई सपोर्टिंग स्टाफ भी नहीं है तो साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रही है, वॉइस आ रही है। अच्छा, प्रमोद दिखाई पड़ रहे हैं, संघर्ष नाम से दिखाई पड़ रहे हैं, मिस्टर अनुज हैं, अंकित दिखाई पड़ रहे हैं, कृतिका शर्मा हैं। आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है आप सभी लोगों के बीच में? एक बार हाँ, साउंड के बारे में जरूर बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ा जाए धीरे धीरे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो फिर क्लास को आप सभी लोग अपने साथियों के बीच में जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जल्दी से शेयर कर लीजिएगा क्लास को। अनुज मिश्रा, साहिना, प्रवीण, कृतिका, मिस्टर कमलेश्वर, शिविल पंडित, हाँ पहचान रहे हैं आप सभी लोगों को, ब्रजेश दुबे दिखाई पड़ रहे हैं, स्वाति हैं, जितेंद्र हैं, मिस्टर अनूप हैं, और कौन कौन है भाई क्लास में लाइव चैट के माध्यम से आप सभी लोग बताइए। काफी दिन हो गया आप सभी लोगों से मुलाकात किए हुए। आ रही है आवाज? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, आज छठ का पर्व भी है, मुख्यतया उत्तर भारत में मनाया जाता है, बिहार और उत्तर प्रदेश में आजकल तो कई क्षेत्रों में इसका कल्चर हो गया है। मुख्यतया सूर्य की पूजा इसमें आप सभी लोगों के बीच में की जाती है। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से और इस YouTube चैनल की तरफ से जो आप सभी लोगों का है, बहुत सारी हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। काफी दिनों से आप लोगों ने प्रतीक्षा की है, अब क्या कहें उस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमने ही कहा था। और इस बीच में क्या हुआ कि कई संस्थानों में ऑफलाइन की क्लासेस लग गई, और ऑफलाइन में काफी दिनों तक प्रयागराज में रहे, फिर काफी दिनों तक अभी प्रयागराज में क्लास रहेगी। लेकिन आप लोगों के बीच में जो क्लास बहु प्रतीक्षित थी कि संगम युग का इतिहास सर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक, और मान लो पढ़ा भी है तो समझ में नहीं आया है। तो प्राचीन भारत के खंड के अंतर्गत हम लोग संगम वंश का इतिहास पढ़ेंगे। संगम वंश के अधीन मूलतः तीन राजवंशों का इतिहास आता है। एक तो चेर राजवंश का इतिहास है, और दूसरे चोल राजवंश का इतिहास है, और तीसरे पांड्य राजवंश का इतिहास है। तीन राजवंशों का इतिहास मूलतः हम सभी लोग पढ़ते। ये दक्षिण भारत का इतिहास है, इससे इसमें जो शब्दावली आप लोगों के बीच में रहेगी वो थोड़ा सा जटिल होगी, थोड़ा सा कठिन प्रकार की होगी। इसीलिए YouTube चैनल पे या संस्थानों में भी लोग बसते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इसकी शब्दावली को समझना और पढ़ाना। तो चूंकि नहीं पढ़ा था, शायद हमने भी पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अब तो आप लोगों के बीच में ये क्लास हो जा रही है। हालांकि एक क्लास में ये तीनों राजवंश का इतिहास पूरा नहीं होगा, तो कल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं? मिस्टर अजीत दिखाई पड़ रहे हैं, अरुणा मिश्रा साहिबा दिखाई पड़ रही हैं, मिस्टर हिमांशु, रेखा ऐथानी दिखाई पड़ रही हैं काफी दिनों के बाद, और कौन है, प्रिया चौधरी, आपका भी स्वागत है, और कौन कौन है, मिस्टर दिनेश अच्छा खासा चैट कर रहे हैं, आपका भी स्वागत है। हाँ, इंतजार करते करते हैं, इंतजार का दुख सहा नहीं जाता। तो चलिए, अब दुखों का अंत हो गया, अब तो अच्छा समय आ गया है ना, अब तो क्या आ गया, अच्छा समय आ गया। तो शुरुआत किया जाए मिस्टर दिनेश। तो चलिए, क्लास को शेयर कर लीजिएगा अपने साथियों के बीच में, आप सभी लोग स्टेटस वगैरह लगा लीजिएगा जिससे क्लास सभी को मिल जाए। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या है कि जो शब्दावली हमने पहले भी बताया कि आप सभी लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन एक खास बात मैं आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी में और आपको बता देता हूं कि हमने ये देखा है कि मुख्यतया जो छात्रों का लगाव होता है वो अधिकतर रुचिकर टॉपिक की तरफ होता है, या जो रोमांचकारी इतिहास है उसकी तरफ होता है। देखो, उसी से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा।
हमें अपने पूरे सिलेबस का पूर्ण रूप से अध्ययन करना होगा, इस सच्चाई को जान लेना है। ये नहीं कि प्राचीन भारत में कोई दो तीन महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उसी को हमें पढ़ लेना है या वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। यूपीएससी में ऐसा मैं नहीं कह सकता। हालांकि यूपीएससी को बहुत सारे जो यूट्यूबर है वो बताते हैं कि बहुत आसान है, तो बहुत आसान तो नहीं है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। ये सब आप लोगों की अपने मेहनत के ऊपर है, आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की है, कितनी तन्मयता से मेहनत की है, कितनी तत्परता दिखाई है मेहनत करने में है, ये आप सभी लोगों के ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आसान है, मैं ये कभी नहीं कहता कि आसान है, क्योंकि मैं तो इस रास्ते से गुजरा हुआ। तो इसका जो रास्ता है, इसका जो सिलेबस है, वो सामान्य सिलेबस नहीं है। उसका आकार और प्रकार, उसके आयाम कई प्रकार के। तो इसमें आप लोगों का जो भी सिलेबस है, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सिलेबस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, प्री में भी पढ़ना पड़ेगा और मुख्य परीक्षा में भी पढ़ना पड़ेगा। कई बार मान लो हमारी नजर सिलेबस के ऊपर ही नहीं जाती, टॉपिक कठिन होता है लेकिन वहां से आसान प्रश्न आ जाता है। और आप सभी को लगता होगा कि शायद मुख्य रूप से इसको देख भी लिए होते, एक आध झलक भी देख लिए होते तो हमारा यह प्रश्न सही हो जाता। और प्रश्नों का अंग समान होता है, चाहे वो जटिल प्रश्न हो चाहे वो आसान प्रश्न हो। तो इसलिए किसी भी भय वाली स्थिति में मत रहिए, बहकावे में मत रहिए। पूरे सिलेबस का अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, तब जाके सत्य का ज्ञान मिलेगा। इतना आसान नहीं है। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध, जिनको भारत के अलावा अन्य देशों के लोग महापुरुष मानते हैं, देवता भी मानते हैं, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति में 6 वर्ष का समय लग गया था। और महावीर स्वामी का सुनेंगे तो उनको तो बहुत ज्यादा समय लग गया था। महावीर स्वामी की अगर तपस्या का समय सुनेंगे तो उनको तो काफी ज्यादा समय लग गया था। लेकिन मोटी मोटा आप सभी लोग 4-5 साल का मुख्य रूप से एक एजेंडा बना के चलिए कि कम से कम 2-3 अटेम्प्ट आपकी तैयारी के समय आपको देने को मिले, तब जाके कल्याण होगा। 4 से 5 साल का समय निकाल लीजिए अपनी लाइफ में, तैयारी करना है और तैयारी करके अच्छी रैंक लाना है। कई बार मान लो अच्छी रैंक नहीं आ पाती, चलो हमारा सिविल सेवा में चयन हो गया, तो अच्छी रैंक नहीं आ पाती तो दोबारा हम प्रयास करते हैं, उसमें 5-7 साल लग जाता है। तो इस तरीके से 4-5 साल के नीचे तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई भले ये कह दे कि हमारा 3 साल में चयन हो गया, हो सकता है उसका हो गया हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ना हुआ हो, लेकिन वो केवल अपवाद के रूप में। ऐसा नहीं होता कि सभी लोगों का चयन केवल 3 वर्ष की पढ़ाई में हो जाए, और 3 वर्ष की पढ़ाई में उसमें उसकी एकाग्रता कितनी अच्छी खासी रही होगी, उसकी नियमितता कितनी अच्छी खासी रही होगी, रेगुलरिटी कितना मेंटेन किया होगा, ये वही बता सकता है। और ये सामान्यतया देखने को नहीं मिलती है। तो कम से कम 4-5 साल का समय अच्छे से निकाल लेना है, और अपने घर वालों को भी बता देना है कि कोई बहुत ज्यादा आसान परीक्षा नहीं है भाई, ये तो अखिल भारतीय परीक्षा है, ये कोई स्टेट लेवल का एग्जाम थोड़ा है कि स्टेट लेवल की परीक्षा है, राज्य स्तरीय परीक्षा है, ये तो भाई स्तरीय एग्जाम है, पूरे भारत का एग्जाम है, भारत के सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान देना है, किसी भी व्यक्ति के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है कि 1 साल में ही तैयारी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 साल में तो यूपीएससी का सिलेबस भी समझ में नहीं आता। तो इन सब बातों का भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल जो आपका अपना चैनल है इसको जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने साथियों के बीच में, दोस्तों के बीच में शेयर भी कर लीजिएगा क्लास को। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। इतना बताना जरूरी था क्योंकि बहुत सारी बातें थी कि क्या हमारे सामने भी ये प्रश्न आ रहे थे कई तरीके से फोन के माध्यम से कि क्या सर 3 साल काफी है। तो मेरी समझ से 3 साल काफी नहीं, 4 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा तो क्या करेंगे। तो कम से कम 1-2 साल तो घर वालों को एक्स्ट्रा बता के चलिए, क्योंकि घर वाले को अगर 3 साल का समय आप बताते हैं तो वो 2 साल के बाद ही पूछना शुरू कर देंगे
कि भैया क्या हुआ, कहीं फार्म वार्म भरे, वैकेंसी वैकेंसी आई, तो वैकेंसी आई, फार्म भरे, तो एग्जाम कुछ निकला भी कि नहीं निकला, तो वो फिर आपको बार बार प्रेशर करेंगे। तो इसलिए उनको भी बता के चलना है। ठीक, अब चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग संगम युग के इतिहास का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? संगम युग के इतिहास का अध्ययन करेंगे। हमने आपको बताया कि संगम युग के इतिहास में हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे शब्दावली बिल्कुल आपको नवीन मिलेगी, बिल्कुल क्लास से भागना नहीं है बल्कि अन्य लोगों को भी लाना है, क्योंकि ये सिलेबस ऐसा है कि यहां से दो प्रश्न आने की संभावना रहती है, नहीं तो हो सकता एक भी ना आए, हो सकता है तीन आ जाए, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। देखो, यूपीएससी के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है कि यहां से प्रश्न आ ही जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो हमें पूरे सिलेबस पर नजर रखनी है। तो हमें क्या पढ़ना है? संगम युग का इतिहास पढ़ना है। अब देखो, संगम युग का इतिहास पढ़ने से पूर्व हम लोग जान लें कि ये जो संगम युग है, जैसे मान लीजिए कि ये भारत यानी इंडिया का मैप, और इस इंडिया के मैप में यानी भारत के मैप में हमें संगम युग का इतिहास पढ़ना है। किसका इतिहास पढ़ना है? संगम युग का इतिहास पढ़ना है। हमने यहां पे लिख दिया संगम युग, संगम युग। तो आप सभी लोगों के मन में ये जिज्ञासा जरूर होगी कि युग का मतलब तो पता चलता है, लेकिन संगम का मतलब क्या होता है ना? संगम का मतलब क्या होता है? तो संगम का मतलब होता है मिलन। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि दो प्रेमियों का मिलन। संगम का मतलब क्या होता है? मिलन। तो संगम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संगम के अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलन। तो कैसा मिलन? राहुल मौर्य, हाँ पहचान रहे हैं आपको, अंकित विश्वकर्मा, अजीत कुमार, तो संगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलन। तो किसका मिलन? यहां पे किसके मिलन की बात हो रही है? क्या दो सभ्यताओं के मिलन की बात हो रही है या दो संस्कृतियों के मिलन की बात हो रही है या दो नदियों के मिलन की बात हो रही है? किसके मिलन की यहां पे बात हो रही है? दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, संगम युग का इतिहास पढ़ रहे हैं, और यहां पे जिस मिलन की बात की जाती है उसमें इतिहासकार दो अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहां पर दो प्रकार की संस्कृतियों के मिलन की बात की जाती है, और यहां पर दो नदियों के मिलन की भी बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? दो नदियों की मिलन की बात की जाती है या दो संस्कृतियों के मिलन की बात की जाती है? दो संस्कृतियों के मिलन की बात भी इसमें की जाती है। तो संस्कृतियों का मतलब यहां पे कैसे है? संस्कृतियों का मतलब उत्तर भारतीय संस्कृति और दक्षिण भारतीय संस्कृति से है, उत्तर भारतीय संस्कृति और दक्षिण भारतीय संस्कृति के मिलन से है। और नदियों के मिलन की अगर बात आती है तो कावेरी और कृष्णा नदी के मिलन की बात आती है। तो अगर संस्कृति की यहां पे बात की जाए तो उत्तर भारत की संस्कृति की बात आती है, ठीक, और दक्षिण भारत की संस्कृति की बात आती है। और नदियों की अगर बात की जाए तो यहां पर कावेरी नदी के मिलन की बात आती है और कृष्णा नदी के मिलन की बात आती है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रयागराज। तो प्रयागराज में भी आपको संगम मिलेगा। प्रयागराज में तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। अभी उत्तराखंड की देवभूमि में आप लोग चले जाएंगे तो वहां पे तो आपको कई तरीके के संगम मिलेंगे, कई तरीके की नदियां कई क्षेत्रों में मिलती हैं। कहीं पे देव प्रयाग है, कहीं पे कर्ण प्रयाग है। आप लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी में, भारत के भूगोल में इनको पढ़े भी होंगे, और यहां से प्रश्न भी आप लोगों के बीच में पूछा गया है संस्थान द्वारा मतलब यूपीएससी द्वारा या स्टेट कमीशन के द्वारा। तो यहां पे दो संस्कृतियों के मिलन की बात हो रही है या दो नदियों के मिलन की बात हो रही है। तो ये जो भारत का मैप है, इस भारत के मैप में हमें संगम युग का इतिहास पढ़ना है।
और संगम युग में हमने आपको बताया कि चेर वंश का आपको इतिहास पढ़ना है। पहला जो वंश है वो चेर वंश है, दूसरा वंश आपके सामने क्या है, चोल वंश है, दूसरा वंश चोल वंश है और तीसरा वंश पांड्य वंश है। तीन राजवंशों का इतिहास पढ़ना है। अब ये भारत के मैप में या भारत की भूमि पर इनकी लोकेशन कहां है? ये जो प्राचीन भारत के तीन राजवंश हैं जिनका अध्ययन हमें संगम युगीन इतिहास में करना है, तो एक राजवंश तो आपको यहां पर मिलेगा। ये जो राजवंश है इसका नाम चेर है और चेर राजवंश के बारे में कहा गया कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में स्थित है। ये कौन सा राजवंश है? ये चेर वंश है। और चेर वंश की बात की जाती है कि यह पश्चिमी और दक्षिणी भारत में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिणी भारत में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ये चेर राजवंश है। ये कौन सा राजवंश है? ये चेर राजवंश है। अभी दो राजवंश और इसमें बचे हुए हैं, एक चोल राजवंश है और तीसरा पांड्य राजवंश है। तो जो चोल राजवंश है, चोल राजवंश के बारे में कहा जाता है कि ये चोल राजवंश आपके सामने है, ये चोल राजवंश आपके सामने है। और चोल वंश के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण पूर्व में बिल्कुल स्थित है। ये कहां स्थित है? ये दक्षिण पूर्व भारत में स्थित है। ये जो चोल राजवंश है दक्षिण पूर्व भारत में स्थित है, ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व भारत में स्थित है। अब इसमें एक पांड्य राजवंश आप लोगों के बीच में बचा और पांड्य राजवंश ये आपके सामने तमिलनाडु में, पांड्य वंश। और पांड्य राजवंश के बारे में यह कहा जाता है कि सुदूर दक्षिण भारत में स्थित है। कहां पर स्थित है? सुदूर दक्षिण भारत में ये पांड्य राजवंश स्थित है। क्या स्थित है? पांड्य राजवंश स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो यही इतिहास आपको पढ़ना है। एक आपको चेर राजवंश है जो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में स्थित है, दूसरा चोल राजवंश है जो दक्षिण और पूर्व भारत में स्थित है, और तीसरा पांड्य राजवंश है जो सुदूर दक्षिण भारत में स्थित है। इन्हीं तीन राजवंशों का इतिहास राजपूत बीपी सिंह आप सभी लोगों को पढ़ना है। और कौन है भाई क्लास में? कनिका दिखाई पड़ रही है, कनिका है या कविता है? शायद कविता है, दिखाई पड़ रही है क्लास में। अलीसा, मिस्टर अंकित, और कौन कौन है भाई? मिस्टर अंकित और कौन कौन इधर नजर आ रहा है? बीरा, आप भी हैं। और कौन है इधर भाई? बीरा जी, राकेश कुमार साहब दिखाई पड़ रहे हैं, वेरी गुड। राकेश कुमार, अंकित गंगवार, धर्मेंद्र, मुनेंद्र, मैं भी हूं, पीछे बैठा हूं, वेरी गुड, अच्छी बात है। एवरेस्ट, रोहित, ओके 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 ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा राहुल, आप भी हैं, आप भी हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको ये बताया यहां पे कि ये जो संगम राजवंश है, संगम राजवंश के बारे में कुछ मूल बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, एक बहुत बड़े विद्वान हैं, इनका नाम है प्रोफेसर मेहन। तो प्रोफेसर मेहन ने संगम शब्द के अर्थ में यह बताया है, इन्होंने कहा है कि यहां पर विद्वानों के मिलन की बात की जाती है और विद्वानों ने क्या लिखा, विद्वानों ने अपनी विभिन्न प्रकार की साहित्य लिखी, तो इन साहित्यों के मिलन की बात भी की जाती है, संस्कृतियों के मिलन की बात भी की जाती है, नदियों के मिलन की बात भी की जाती है। लेकिन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं विद्वानों एवं कवियों का मिलन ही नहीं था अपितु उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन भी था। ये बात कौन कहता है? ये बात प्रोफेसर मेहन कहते हैं, ये दक्षिण भारतीय इतिहासकार। जो प्रोफेसर मेहन साहब हैं ये दक्षिण भारतीय इतिहासकार हैं,
दक्षिण भारतीय इतिहासकार प्रोफेसर मेहन ने संगम शब्द का बड़े व्यापक अर्थों में प्रयोग किया गया है। इन्होंने कहा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मिलन की बात संगम में की जाती है, और अगर संस्कृति की बात आती है तो संस्कृति में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लगभग लगभग सभी पक्ष आ जाते हैं, जैसे धर्म का पक्ष भी आ जाता है, जैसे रहन सहन का पक्ष भी आ जाता है, जैसे बोली भाषा का पक्ष भी आ जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार की कलाओं का पक्ष भी आ जाता है, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, और इसमें धार्मिक पक्ष भी आ जाता है। धार्मिक के अलावा इसमें अगर मूल रूप से देखा जाए तो इसमें साहित्य का पक्ष भी आ जाता है, क्योंकि यही तो संस्कृति है। तो इसीलिए प्रोफेसर मेहन साहब ने यह कहा कि संगम का जो अर्थ होता है वो बड़े व्यापक आयामों में रखना चाहिए। इन्होंने कहा दो संस्कृतियों का मिलन है, यहां पे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति की बात की जा रही है। ठीक, इस काल में सुदूर दक्षिण भारत के तीन राज्यों चोल, चेर और पांड्य राज की संस्कृतियों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। देखो बात यह है, आप लोग देख रहे हो किसका अध्ययन करना है, संस्कृतियों का अध्ययन करना है। इन तीनों राज्यों में आपको राजनीतिक पक्ष ज्यादा मिलेगा ही नहीं। जैसे हम लोग बाबर के चार युद्धों का इतिहास पढ़ते हैं, अकबर के युद्धों का इतिहास पढ़ते हैं, अलाउद्दीन के उत्तर भारत दक्षिण भारत अभियानों को पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के उत्तरापथ दक्षिणापथ आटविक राज्य सुदूर भारतीय राज्य या विदेशी राज्यों की विजय की बात करते हैं, यहां पर राजनीतिक इतिहास ऐसा तो नहीं कहा जाता कि बिल्कुल शून्य प्राय है, लेकिन बहुतायत पैमाने पर यहाँ पे हमें सांस्कृतिक इतिहास का ही अध्ययन करना है। सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करना है, इसीलिए यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये जो चैप्टर है वो अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, संस्कृतियों के मिलन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, संस्कृतियों के मिलन की बात की जा रही है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मौर्य सम्राट अशोक का अध्ययन किया होगा। सभी लोग जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और उसी का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और अशोक का इतिहास मुख्यतया हम लोग अशोक के अभिलेखों के माध्यम से जानते हैं। अशोक के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन भारत का सबसे महानतम शासक था और भारत का सबसे महानतम शासक था, और इसका इतिहास हम लोग इसके अभिलेखों के माध्यम से पढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर अशोक का इतिहास पढ़ना है तो उसके अभिलेखों का इतिहास पढ़ लीजिए, क्योंकि अशोक का जो इतिहास है उसको आईना दिखाने का काम अशोक के अभिलेख ही करते हैं। तो अशोक के अभिलेखों को हम लोग कई भागों में बांटते हैं, जैसे शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया और गुहा लेख हो गया। शिलालेखों को भी हम लोग दीर्घ शिलालेख यानी बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटते हैं, और जो स्तंभ लेख हैं उनको लघु स्तंभ लेख और दीर्घ यानी बृहद स्तंभ लेख में बांटते हैं। तो कहा जाता है कि जो अशोक का दूसरा दीर्घ शिलालेख, उस दीर्घ शिलालेख में दक्षिण भारत के तीनों राज्यों की बात की गई है, और ये आपसे कई बार आपके यहां प्रश्न भी पूछा है कि अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के राज्यों के नामों का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है, अशोक के दूसरे अभिलेख में मिलता है। दूसरे अभिलेख का तात्पर्य यहां पर अशोक के दूसरे शिलालेख से है। अशोक के जो कुल शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 है और कुल 8 स्थानों से मिले। तो ये जो अशोक के 14 अभिलेख है यानी दीर्घ शिलालेख है, इन पर विभिन्न बातों का अंकन मिलता है, और इसी में से जो दूसरा अभिलेख है, इस अभिलेख में कहा गया है कि अशोक की सीमा पर, ध्यान रखिएगा, अशोक की सीमा पर, ना कि अशोक के राज्य में दक्षिण भारत के तीन राज्य थे। अशोक की सीमा में ये राज्य नहीं थे, अशोक की बाउंड्री पर ये राज्य थे। अशोक की बाउंड्री यानी सीमा के अंदर नहीं थे, अशोक के राज्य के बाउंड्री पर थे, यानी सीमा पर थे, अशोक के राज्य के अंदर नहीं थे। कुल मिला के इसका मतलब ये।
तो अशोक की सीमाओं पर दक्षिण भारत के ये चार राज्य आपको मिलेंगे, इनका उल्लेख मिलता है। चोल, चेर, पांड्य और सत्तीय पुत्र का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे एक बात और जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये जो पांड्य राज्य है ना, पांड्य राज्य हमने आपको बताया कि ये सुदूर दक्षिण भारत में स्थित है। ये वो पांड्य राज्य नहीं है जिसका इतिहास हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, ध्यान रखना ये प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत में यहां के शासकों का नाम अलग है और मध्यकालीन भारत में जैसे अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास को आप लोगों ने पढ़ा होगा और मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में पांड्य राज के ऊपर आक्रमण किया था जिसकी राजधानी मदुरई थी और उस समय वहां का शासक जो था वीर पांडे और सुंदर पांडे था और वीर पांडे और सुंदर पांडे नामक दो भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। और आप लोग याद कीजिए कि इसमें जो सुंदर पांडे नामक छोटा भाई है यह इस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के सेनापति जो तेलंगाना की विजय कर रहा था उसको आमंत्रित किया था कि हमारे बड़े भैया को पराजित कर दीजिए और पराजित करके बड़े भैया से पांड्य राज्य को छीन के मुझे दे दीजिए। तो आपसे कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत में जो मध्यकालीन भारत में पांड्य राज्य था वहां पर जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था वीर पांडे और सुंदर पांडे नामक दो भाइयों के बीच में, तो किस भाई ने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर या हजार दिनारी, ये हिंदू हिजड़ा था ध्यान रखिएगा, को आमंत्रित किया था? तो सुंदर पांडे ने आमंत्रित किया था। इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो वीर पांडे वो तो वीर है, वो क्यों बुलाएगा किसी को, वो तो संघर्ष करेगा, वो तो फाइट करेगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि वीर पांडे क्यों किसी को आमंत्रित करेगा, वो तो स्वयं में अपने आप में क्या है, वीर है, तो उसने आमंत्रित नहीं किया। तो किसने आमंत्रित किया, सुंदर पांडे ने आमंत्रित किया था। तो वो मध्यकालीन भारत के पांड्य राज का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, प्राचीन भारत के पांड्य राज का इतिहास पढ़ रहे हैं। आप देखो इस पांड्य राज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इसका उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है। किसने किया है, मेगस्थनीज ने भी इसका उल्लेख किया है। अब बात आती है कि मेगस्थनीज कौन था, तो मेगस्थनीज के इतिहास का जो हमें अध्ययन देखने को मिलता है वह चंद्रगुप्त मौर्य नामक मौर्य वंश के संस्थापक के समय में देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया था और जब सेल्यूकस को पराजित कर दिया था तो सेल्यूकस के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि हुई थी जो 304 बीसी में हुई थी जिसे भारत की संधि के नाम से जाना जाता है। तो भारत की संधि के माध्यम से जो सेल्यूकस था उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया था और उसकी पुत्री का नाम हेलेना था। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसी सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा था और इस राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने एक साहित्य लिखी थी और इस साहित्य का नाम क्या है, इस साहित्य का नाम है इंडिका। और इंडिका में मौर्य वंश का व्यापक रूप से इतिहास मिलता है लेकिन दक्षिण भारत के बंदरगाहों का यानी व्यापार का इतिहास भी मिलता है। तो इसी मेगस्थनीज की इंडिका में लिखा हुआ मिलता है कि ये जो पांड्य राज्य है ये पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। और एक खास बात और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि पांड्य राज में शासक तो आपको कम मिलेंगे लेकिन शासिकाएं आपको इस समय ज्यादा मिलेंगी। यहां पे यही उल्लेख करता है मेगस्थनीज, इसने यह भी कहा है कि यहां का शासन स्त्रियों के हाथ में था यानी महिलाओं के हाथ में था। यानी प्राचीन भारत में सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में कोई ऐसा राजवंश देखने को मिल रहा है जिसमें शासिका के रूप में महिलाएं हैं। जिसमें शासिका के रूप में महिलाएं आपको देखने को मिल रही, तो शासिका के रूप में महिलाओं का जो कामकाज देखने को मिल रहा है या जो शासन देखने को मिल रहा है
वह अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्राचीन भारत में, यह स्टेटमेंट ही देता है, तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम कहां देखने को मिल रहा है, तो पांड्य राज में देखने को मिल रहा है। साउंड वगैरह आ रहा है ना ठीक ठाक, नहीं तो पता चले कि ओके ओके वेरी गुड। हाँ तो ये पहली बार देखने को मिलता है, और ऐसा नहीं कि केवल यही राजवंश है जहां पे महिलाओं का शासन, इसके अलावा चालुक्यों के राजवंश में भी आपको देखने को मिलता है, आपको वाकाटक राजवंश में भी देखने को मिलता है, आपको अन्य क्षेत्रों में भी भारत के महिला राजवंश या शासिका के रूप में देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में महिला शासिका रजिया सुल्ताना का इतिहास भी आप लोग पढ़ते हैं। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि ये दक्षिण भारत का चोल, चेर, पांड्य और क्षत्रिय पुत्र में से ऐसा कौन सा राज्य था जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, तो पांड्य राज्य। और पांड्य राज्य में स्त्री शासकों का उल्लेख कौन करता है, तो यही मेगस्थनीज करता है। मेगस्थनीज कौन है, सेल्यूकस का राजदूत है। किसके दरबार में भारत आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है, इंडिका में उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, इस बात का भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग नोट करते हैं वो नोट भी कर सकते हैं, जो लोग नोट करते हैं वो नोट भी कर सकते हैं। या ये तो YouTube है, ऐप की क्लास नहीं है, तो इसमें हाँ स्क्रीन वगैरह भी आप सभी लोग कर सकते हैं। अब देखो जो संगम काल है ना, संगम काल में मुख्यतया तीन संगमों के आयोजन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, तीन संगमों के आयोजन की बात की जाती है। तो तीन संगमों का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद में संगमकालीन साहित्यों का इतिहास पढ़ेंगे, और फिर एक एक राजवंशों के राजनीतिक इतिहास को पढ़ेंगे और प्रशासनिक इतिहास को पढ़ेंगे। तो ये जो तीन संगम आयोजित हो रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो कहा जा रहा है कि संगम काल में कुल तीन संगमों का आयोजन हुआ था, और इन संगमों का आयोजन पांड्य राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था, पांड्य राजाओं ने करवाया था। तो संगम में पहला संगम है, दूसरा संगम है और तीसरा संगम है। पहला संगम का जो आयोजन किया गया वो मदुरा या मदुरई में किया गया। कहां पे किया गया, मदुरा या मदुरई में किया गया। और बात आती है कि इस संगम के अध्यक्ष कौन थे, तो इस संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। यानी पहला संगम कहां हुआ, तो पहला संगम आप सभी लोग जानते हैं मदुरा या मदुरई में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की। जो दूसरा संगम है ये कपाटपुरम या अलवई में आयोजित किया गया। देखो थोड़ा सा शब्द इसमें अलग अलग, कपाटपुरम या अलवई, और इसकी भी अध्यक्षता मुख्यतया किसने की थी, अगस्त ऋषि ने की थी। और तृतीय संगम कहां आयोजित किया गया, अब यहां पे देखो थोड़ा सा अंतर है, मदुरई में उत्तरी और दक्षिणी मदुरई की बात की जाती है। तो यहां पे जो तीसरा संगम है ये उत्तरी मदुरई में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, और इसके बारे में मदुरई ही उल्लेख मिलता है पहले संगम के बारे में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नक्कीरर ने की थी, नक्कीरर ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब बात आती है कि आखिर इन तीनों संगमों में हुआ क्या, इन संगम का मतलब क्या है, संगम का मतलब सभा से है, आप लोग क्या समझ रहे हैं। जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में कुल चार बौद्ध सभाओं का मुख्य रूप से इतिहास पढ़ते हैं, जैन धर्म में दो बौद्ध सभाओं या संगीतियों का इतिहास पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये भी सभाएं, यहां पे भी विभिन्न प्रकार के विद्वान इकट्ठा होते हैं, और जब विद्वान इकट्ठा हो गए तो निश्चित रूप से साहित्यों की रचना की जाएगी। और विद्वान कितने इकट्ठा होते हैं, किस प्रकार के विद्वान है, ये भी हमें देखना है। तो इन तीनों संगमों में मुख्यतया हुआ क्या, इसका परिणाम क्या आया, आइए इसको देखते हैं। तो इन तीनों संगमों की अगर बात की जाए, तो जो पहला संगम था यानी प्रथम संगम था, इसमें कुल बौद्धिक लोगों की संख्या 549 थी। कितनी थी, 549 थी। जो पहला संगम है, पहले संगम में कुल 549 विद्वानों ने भाग लिया था। कितने विद्वानों ने भाग लिया था, 549 विद्वानों ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा।
एक 549 संख्या आपको और मिलती है एक जगह, मुझे याद आ जाए फटाफट तो मैं आपको बता दूं। हाँ, 549 नामक संख्या और एक जगह आपको मिलती है। अगर आपसे पूछे कि ये जो जातक कथाओं के बारे में आप सभी लोग जानते हो, जातक कथाएं क्या होती, जातक कथाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। जातक कथाओं का संबंध मुख्यतया बौद्ध धर्म से है और जातक कथाओं का अध्ययन हमें जातक साहित्य में मिलता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुल जातक साहित्यों की संख्या कितनी है तो क्या बताओगे, कुल जातक साहित्यों की संख्या कितनी है, तो 549 ही है। अब बात आती है कि जातक साहित्य में या जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है, तो बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की बातों का उल्लेख मिलता है। तो एक चीज यहां पे कॉमन है, एक चीज यहां पे आनंद तिवारी क्या है, हां यहां पे कॉमन है। तो जातक जो ग्रंथ हैं, जो जातक साहित्य हैं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और टोटल जातक साहित्यों की संख्या 549 है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जातक साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, फिर क्या होगा मामला, बोला राहुल भैया, किस भाषा में लिखी गई है ये जातक साहित्य, तमिल भाषा में लिखी गई, तेलुगु भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई, है ना, किस भाषा में लिखी गई, ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई भीषम, पाली भाषा में लिखी गई, प्राकृत भाषा में लिखी गई, बताओ। इतना सारा ऑप्शन हमने बता दिया आप सभी लोगों को, बताइए देखता हूं आज कौन बताता है। किस भाषा में लिखा गया ये सब साहित्य, ये पाली भाषा में लिखा गया। अब पाली भाषा में ही क्यों लिखा गया, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो आम बोलचाल की भाषा थी वो पाली ही थी और पाली भाषा में मुख्यतया महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने अपने धार्मिक उपदेश दिए थे, इसीलिए इनकी रचना पाली भाषा में की गई थी। एक बात यह भी ध्यान रखिएगा यहां पे, तो पहला जो संगम आयोजित किया गया यहां पर कुल बौद्धिक विद्वानों की संख्या 549 थी, लेकिन पहले संगम की अगर बात की जाए तो इसमें साहित्यों की रचना तो जरूर हुई होगी, लेकिन इसका कोई भी साहित्य हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है कि फलाने साहित्य की रचना हुई, ऐसा कुछ भी उल्लेख मिलता नहीं है, स्रोत ही नहीं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 549 विद्वानों ने पहले संगम में भाग लिया था। अब देखो दूसरे संगम की बात आती है, यहां पे दूसरे संगम में एक बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, थोड़ा सा माइनर है। इस संगम की प्रारंभ में जो अध्यक्षता की वो अगस्त ऋषि ने की थी, हमने आपको दिखाया भी था, लेकिन बाद में इसके एक अध्यक्ष और आपको मिलते हैं और इनका नाम है तोल काप्पियर। अब देखो आपको देखने को ये मिला कि तीन संगम आयोजित हुए, पहले और दूसरे संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की, लेकिन दूसरे संगम की बात आती है तो प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता किसने की, अगस्त ऋषि ने की, और बाद में इसकी अध्यक्षता किसने की, तोल काप्पियर नामक तमिल विद्वान ने की थी, और तीसरे संगम की अध्यक्षता नकीरर ऋषि ने की थी, ध्यान रखना आप सभी लोग। तो दूसरे संगम में प्रारंभ में अगर आपसे पूछे कि अध्यक्षता किसने की, अगस्त ऋषि ने की, और बाद में किसने अध्यक्षता की, तो बाद में तोल काप्पियर ऋषि ने इसकी, ये तोल काप्पियर ऋषि या तोल काप्पियर विद्वान ने इसकी अध्यक्षता की, और इन्हीं तोल काप्पियर ने संगम संगम प्रमुख संगम साहित्य की रचना की थी जिसका नाम था तोल काप्पियम। ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपसे पूछा गया है कि तोल काप्पियम है क्या, तो तोल काप्पियम दक्षिण भारत का एक साहित्य है जिसकी रचना किसने की थी, द्वितीय संगम की अंतिम में अध्यक्षता करने वाले तोल काप्पियर नामक विद्वान ने की थी, ध्यान रखना। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये कैसा ग्रंथ था, तोल काप्पियम कैसा ग्रंथ था, तो ये दक्षिण भारत का व्याकरणिक ग्रंथ था। लेकिन ध्यान रखना
ये भारत का पहला व्याकरणिक ग्रंथ नहीं है। क्या समझ रहे हैं आप सभी लोग? ये भारत का पहला व्याकरणिक ग्रंथ नहीं है। तोल कापियम दक्षिण भारत का पहला व्याकरणिक ग्रंथ है, लेकिन भारत का पहला व्याकरणिक ग्रंथ नहीं है। तो देखो, तीन बातें हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का पहला व्याकरणिक ग्रंथ, तो क्या बताओगे आप सभी लोग? दूसरा व्याकरणिक ग्रंथ फिर क्या बताओगे बालक लोग? चलो बताओ, बहुत दिन हो गया आप लोग कुछ बताए नहीं है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दक्षिण भारत का पहला व्याकरणिक ग्रंथ, तो क्या बताओगे? तीन प्रश्न है आपके सामने। आनंद तिवारी साहब बताइए तो भाई। बुक की बात मत करो, क्या नाम है नवी भैया, बुक की बात मत करो, इसमें बहुत सारी किताबें हैं। एक दो किताब से मैं पढ़ाता नहीं हूं, आप लोग जानते ही है ना। या मैं कोई किसी किताब को इस तरीके से टारगेट करके नहीं पढ़ाता, और एक किताब से यूपीएससी का कल्याण भी नहीं होता। क्या होगा भाई? सुरुचि, भारत का पहला अष्टाध्यायी, भारत का पहला क्या? सुरुचि बिहार की धरती से बिलोंग करती है, निबंधकार हैं ये, अच्छा निबंध लिखती है। और रिंकी सोनी कविता, तो देखो इसमें आप लोग लिख लो पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है। और इसमें आप लोग लिख लो पतंजलि का महाभाष्य, ठीक। और इसके बारे में तो आप लोगों ने अभी देखा ही, तोल कापियम है ना। और इसको किसने लिखा था? ये व्याकरणिक ग्रंथ है, ध्यान रखना, इसको तोल कापियर ने लिखा था, जिसने द्वितीय संगम की अंतिम में अध्यक्षता की थी। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब यूपीएससी में एक बार प्रश्न नहीं पूछा गया, ये कम से कम दसियों बार पूछा गया, और स्टेट कमीशन की तो बात मैं बता ही नहीं सकता। ये सब प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि क्या बताऊं आप लोगों से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक भी पढ़ना है। ये तीन व्याकरणिक ग्रंथ हमने आपको बताए, भारत का पहला व्याकरणिक ग्रंथ, दूसरा, और दक्षिण भारत का पहला व्याकरणिक ग्रंथ, ये हमने आपको बताया, ठीक। अब देखो, हमने आपको बताया कि पहले संगम में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 549, और दूसरे संगम में 49 सदस्यों ने भाग लिया था। तो याद करना आसान है, पहले में 549 और दूसरे में 49, ध्यान रखना आप सभी लोग। दूसरे में तो सदस्य नहीं मिलते, ये तीसरे में है भाई। ये किसमें है? ये तीसरे संगम में है, यहां पर लिखा भी। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और दूसरे संगम के बाद में हम लोग तीसरे संगम की बात करते हैं, तृतीय संगम की बात करते हैं। इसमें कुल 49 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 49 सदस्यों ने भाग लिया था। और इन सदस्यों में जो अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान थे, इनके नाम यहां पर मिलते हैं। इरैये नागर नाम मिलता है, कपिलार मिलता है, और सीतलई सतनार नाम मिलता है। तो तीन मुख्य विद्वान है, और ये बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं। इरैयेनार, और यहां पे कपिलार, और सीतलई सतनार,
ये तीन बड़े बड़े साहित्यकार भाग लेते हैं तृतीय संगम में, तीसरा संगम जो हो रहा है आप लोगों के बीच। और तीसरा संगम कहां हुआ? उत्तरी मदुरई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की? नकीरत ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस संगम में अनेकों साहित्यों की रचना की गई, और इन साहित्यों का अध्ययन आप लोगों को करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं साहित्यों से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो अब कुछ साहित्यों का अध्ययन आप सभी लोगों को करना है, और इसमें सबसे पहले हम लोग संगम युग के पांच महाकाव्यों का अध्ययन कर लेते हैं। महाकाव्य कितने हैं अगर आपसे पूछे? संगम युग में यानी दक्षिण भारत में कुल पांच महाकाव्यों का इतिहास हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, एपिक्स की बात आती है। और उत्तर भारत में तो रामायण और महाभारत नामक ही दो एपिक्स है ना, रामायण और महाभारत। रामचरितमानस की बात नहीं कर रहे, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं, और वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत की बात कर रहे हैं, जिसी का भाग है श्रीमद् भागवत गीता, भाग है, खंड है। तो यहां पे पांच महाकाव्यों का इतिहास हमें पढ़ना है। पहला महाकाव्य आपके सामने है सिलप्पाधिकारम। सिलप्पाधिकारम, तो सिलप्पाधिकारम की बात आती है, तो सिलप्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलंगो आदिकल इसका लेखक है। सिलप्पाधिकारम जो पहला और सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है दक्षिण भारत का, इसका जो लेखक है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इलंगो आदिकल। और इस इलंगो आदिकल के बारे में कहा जाता है कि ये जैन संत है, ये जैन विद्वान है। आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बात का, ये क्या है, ये जैन विद्वान है। और एक खास बात यह है कि यह चेर शासक सेन गुट्टवन का भाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दक्षिण भारत में भी जो शासक होते थे, ये शासक होने के साथ में इनकी साहित्यों में बहुत ज्यादा रुचि होती थी, और अपने दरबार में विभिन्न प्रकार के साहित्यकार भी रखते थे, और साहित्यकारों द्वारा साहित्यों की रचनाएं भी करवाते थे, और स्वयं भी साहित्यों की रचना करते थे। इसमें आपके सामने जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा या सबसे महानतम महाकाव्य है सिलप्पाधिकारम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नूपुर की कहानी, और जिसका लेखक है जैन विद्वान इलंगो आदिकल, इसके बारे में कहा गया कि ये चेर शासक सीन गुट्टवन का भाई है। यही आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया होगा, अगर आप साल पेपर लेके बैठे होंगे तो बड़ा अच्छा होगा। साल पेपर मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। देखो अगर कंपटीशन आप सभी लोग जल्दी निकालना चाहते हो तो आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आप हमारी क्लास में साल पेपर लेके बैठो, है ना। लेकिन हमारी क्लास में अगर साल पेपर लेके बैठोगे, एक तरफ से क्वेश्चन आपके साल होंगे और यहीं से प्रश्न भी मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुए हो, चाहे वो स्टेट कमीशन का एग्जाम हो, चाहे यूपी में किसी का एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम इसको पढ़ के देंगे, यूपीएससी हो, स्टेट कमीशन हो, या कोई भी एग्जाम हो, आपका एक प्रश्न भी बाहर जाने वाला नहीं। हाँ, यूपीएससी के बारे में पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि यूपीएससी में सारे प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। यूपीएससी के प्रश्नों में कम से कम 20 प्रश्न तो लास्ट में खोजते रहिए, मिलता ही नहीं एक हफ्ते तक उसका उत्तर। तो यूपीएससी की बात मत कीजिए, और उससे कोई मतलब भी नहीं भाई। 20 प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उससे, 20 प्रश्न की तो बात छोड़िए, 40 प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं। आपको 60 प्रश्न का उत्तर आ जाए, 60 की बात छोड़ो, 55 आ जाए, लेकिन देखो 55 से कम किसी भी कीमत में नहीं होना है। और 100% अगर मुख्य परीक्षा देना ही है तो 60 प्रश्न सही करके आना है, क्योंकि अगर प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम आप देते हैं और उसमें 60 प्रश्न कर लेते हैं और वो आपका सही होता है तो तुरंत आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाती है, नहीं तो एक महीने तक आपको प्रारंभिक परीक्षा का वेट करना पड़ता है।
और तब तक फिर आपके पास केवल 2.5 महीने का समय रहता है, वैसे आपके पास 3.5 महीने का समय रहता है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में, 3.5 या 4 महीने का लगभग लगभग समय रहता है, कई बार 4.5 महीने का भी समय मिल जाता है, 3.5, 4.5, 4, 4.5 ऐसे मंथ आपको मिल जाते हैं। और 4 मंथ अच्छा खासा होता है तैयारी करने के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि कम होता है, लेकिन कम तब पड़ जाता है जब आप मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का वेट करते हैं, तब कम पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 60 प्रश्न करके आइए, फिर वेट ना करना पड़े, फिर मस्ती में अपना तैयारी कीजिए, है ना। मांडवी शुक्ला, शिवानी सिंह, मिस्टर योगेश सिंह आप भी हैं, योगेश बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सभी लोग अभी 1000 की संख्या भी नहीं पहुंचा पाए, बताइए, है ना, 1000 की संख्या तो पहुंचा दीजिए भैया। बाबू लोग, रिंकी सोनी, आर्यन भैया, शलोनी यादव, पहचान रहे हैं आप, अनुज भैया, भैया में भैया अनुज भैया, आनंद भैया, बहुत अच्छी बात, तरन्नुम, है ना, गोल्डी, गोल्डी भी हैं, है ना। आप लोग अपने दोस्तों को बुला के नहीं लाते क्या? आप लोग अपने दोस्तों को भी क्लास में बुलाइए, है ना। और आप सभी लोग उस पे भी क्या बोलते हैं, वो क्या है भाई, इंस्टाग्राम पे भी आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हिस्ट्री विद संजीव पांडे के नाम से हमारी आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, हिस्ट्री विद संजीव पांडे के नाम से, तो वहां पे भी आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, हिस्ट्री विद संजीव पांडे के नाम से, काफी लोग वहां पे जुड़े भी हैं, तो आप सभी लोग भी वहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक। अच्छा, आप लोग जुड़े होंगे, हाँ, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक। हाँ, वहां पे कुछ अच्छा सोचा है हमने, हाँ, टेलीग्राम तो आप लोग वहां पे जुड़े ही हैं, वहां पे लिंक आपको मिलता रहेगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम भी है ना। तो इसको तमिल भाषा का पहला काव्य माना जाता है, यानी महाकाव्य माना जाता है, किसको? आइए पुनः अपने सिलेबस पे चलते हैं, सिलप्पाधिकारम, तमिल भाषा का पहला महाकाव्य इसी को माना जाता है, ठीक है। अब देखो, हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सिलप्पाधिकारम का अर्थ क्या होता है। सिलप्पाधिकारम का अर्थ होता है नूपुर की कहानी, और इसका लेखक इलंगो आदिगल है, जैन विद्वान है, चेर शासक सेन गुट्टवन का भाई है। चेर शासक सेन गुट्टवन का भाई। अब देखो, इसके बारे में एक आप सभी लोगों को बड़ी रोमांचकारी घटना के बारे में बताऊंगा, एक कहानी के बारे में बताऊंगा। इस सिलप्पाधिकारम नामक ग्रंथ के बारे में कहा गया कि इसका जो नायक है उसका नाम है कोवलन। इसके नायक की बात अगर की जाती है, जैसे आप लोग कालिदास जी के भी कई नाटकों का इतिहास पढ़े होंगे, कहीं अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो कहीं पे कोई अन्य है, तो वहां पे भी आपको नायक और नायिकाओं का उल्लेख मिलता है, उसके भी पात्रों का उल्लेख आपको मिलता है। तो ये जो सिलप्पाधिकारम नामक ग्रंथ है, इसके नायक का नाम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। योगेश, इसके नायक का नाम क्या है? कोलिन है। और इसकी नायिका, देखो नायक की यहां पर नायिकाएं कितनी है? 2 है। एक तो इसकी पत्नी है और दूसरी इसकी प्रेमिका है, ऐसा ही है मामले। अनुज, हाँ, इन लोगों के नाम तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको याद करना पड़ेगा, है ना।
तो यहां पे पत्नी का नाम क्या है? ये पत्नी है और ये पत्नी का नाम है कन्नगी, ध्यान रखना। और ये जो प्रेमिका है ये वैश्या भी है और इसका नाम है माधवी, बहुत ज्यादा प्रेम करती है। किससे? कोवलिन से। और कोवलिन की पत्नी कौन है? कन्नगी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि माधवी कहां की वेश्या है, तो यहां पे कावेरी पट्टनम है, और कावेरी पट्टनम पूर्वी भारत का बहुत बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट साइट भी है। अब देखो, इस काव्य को तमिल साहित्य का इलियड के नाम से जाना जाता है, इलियड के नाम से जाना जाता है, ना कि ओडिसी, ये ध्यान रखना, इलियड के नाम से जाना जाता है। अब देखो एक बात आपको बताता हूं, ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये जो कोवलन है, कोवलन को पांड्य शासक नेडु जेलियन ने इसका वध कर दिया, इसके ऊपर कई प्रकार का आरोप लगाया, और आरोप खास तरीके से यह लगाया कि आप ये जो माधवी नामक वेश्या है इससे आप प्रेम करते हो, ये गलत करते हो। और ये जो कावेरी पट्टनम है, ये आप लोग जानते हैं कि कावेरी पट्टनम को पुहार नामक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, और पांड्य शासक जो नेडु जेलियन है, नेडु जेलियन कहता है कि इसका क्या कर दिया जाए, इसी वजह से वध कर दिया जाए। तो पांड्य शासक नेडु जेलियन ने इसका वध करवा दिया था, नेडु जेलियन ने इसका वध करवा दिया था कोवलिन का। जब कोवलिन का वध करवा दिया तो इसकी ये जो पत्नी थी जिसका नाम था कन्नगी, ये तो वास्तविक पत्नी है, तो वास्तविक पत्नी का मतलब चरित्रवान पत्नी है। जब चरित्रवान पत्नी है तो इसने इसने तप किया हुआ है, इसने तपस्या की हुई है, ये सत्य है, सत्य इसका साथ देगा। और ऐसा कहते हैं कि जब नेडो जेलियन ने कोवलिन का वध कर दिया यानी फांसी की सजा दिलवा दी, तो फिर ये जो कन्नगी है जिसका नाम कन्नगी, जो इसकी पत्नी है, कन्नगी ने कहते हैं कि इसने देवी का रूप धारण कर लिया, और देवी का रूप धारण करके अपने मुख में वैश्वानर अग्नि को धारण कर लिया, और वैश्वानर अग्नि को धारण करके इसने पांड्य शासक के राज्य को जला डाला। ऐसा कहा गया कि जो कन्नगी है इसने अपने तप बल के माध्यम से वैश्वानर अग्नि को धारण कर लिया, और इस अग्नि को धारण करके पांड्य शासक के राज्य को जला डाला। तो इसकी वैधता को इसलिए भी स्वीकार किया जाता है कि आज भी दक्षिण भारत में इस कन्नगी को देवी मानकर इसकी पूजा की जाती है, इसकी अर्चना की जाती है, और इसकी पूजा को कन्नगी की पूजा की बात की जाती है। तो कन्नगी पूजा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कन्नगी पूजा का उल्लेख दक्षिण भारत के किस साहित्य में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, किस इपिक्स में मिलता है, तो क्या बताओगे? सिलप्पादिकारम नामक ग्रंथ में मिलता है, क्योंकि सिलप्पादिकारम नामक एक ग्रंथ को ही अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, कन्नगी पूजा का उल्लेख इसी में मिलता है। अब इससे संबंधित दूसरा ग्रंथ आपके सामने, इसका नाम है मणिमेखलई, और मणिमेखलई का लेखक मदुरई का अनाज व्यापारी शीतलई सतनार था। तो दूसरा महाकाव्य आपके सामने है, और इस महाकाव्य का नाम है मणिमेखलई। इसके पहले सिलप्पादिकारम को आपने पढ़ा, उसका लेखक इलंगो आदिगल था, और इसके लेखक का नाम शीतलई सतनार था। तो इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है, और जबकि हमने आपको बताया था कि जो सिलप्पादिकारम है उसको इलियड कहा जाता है। इस महाकाव्य में कांची के अकाल का वर्णन मिलता है, अकाल की बात आती है, कांची 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 में अकाल की बात आती है, और ये जो अकाल था ये कोई कृत्रिम अकाल नहीं था, ये प्राकृतिक अकाल था। तो प्राचीन भारत में ये जो शीतलई सतनार ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम मणिमेखलई था, इस ग्रंथ में पहली बार अकाल का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत की बात की जा रही है और दक्षिण भारत की बात की जा रही है, जबकि अकाल के उल्लेख की बात तो मुख्यतया सिंधु सभ्यता में भी दिखाई पड़ती, और वहां पे भी अन्नागारों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अब कहा जाए कि जो सिंधु सभ्यता है
उसका उल्लेख हमें किसी साहित्य के माध्यम से मिलता नहीं, तो साहित्य के माध्यम से नहीं मिलता, पुरातत्व के माध्यम से मिलता है। तो वहां पे पुरातात्विक साक्ष्य है और यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य। और अगर भारत में बात की जाए तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी अकाल का उल्लेख मिलता है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि जो मौर्य शासक है, मौर्य शासकों ने अकाल से निपटने के लिए सोहगौरा जो कि गोरखपुर में स्थित है, और महास्थान जो उस समय बंगाल में था अब बांग्लादेश में स्थित है, से दो बड़े बड़े अन्नागारों का उल्लेख मिलता है, ग्रेटर ग्रेनरीज का यानी ग्रेनरीज का उल्लेख मिलता है। और आप लोगों ने देखा कि सैंदो सभ्यता से भी महान अन्नागारों का उल्लेख मिला, मोहन जोदड़ो से महान अन्नागारों का उल्लेख मिला और हड़प्पा से अन्नागारों का उल्लेख मिला। तो यहां पे भी अकाल की बात की जाती है। ठीक, इसकी नायिका का नाम क्या है? मणिमेखलई है। इसका जन्म कोवलिन की पत्नी माधवी से हुआ था, ध्यान रखिएगा, बाद में शादी कर ली थी कोवलिन ने, ठीक है, माधवी से। तो माधवी से इसका जन्म हुआ था मणिमेखलई का। मणि बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे बौद्ध पुस्तक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस मणिमेखलई को। एक कैसी पुस्तक है? एक बहुत मतावलंबी पुस्तक है, ध्यान रखना आप सभी लोग इस बात का भी। अगला तीसरा महाकाव्य आपके सामने, इसका नाम है जीवक चिंतामणि। इसका लेखक कौन है? चोल युवराज और जैन भिक्षु तीर्थक देवर है। अब देखो जो शिलप्पाधिकारम था वो भी जैन भिक्षु था, लेकिन वो चेर शासक सेन गुट्टमन का भाई था। और ये जो पुस्तक आपको दिखाई पड़ रही है जिसका नाम है आपके सामने जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि का जो लेखक है तिरुथक देवर, ये चोल युवराज है, मतलब युवराज राजा का पुत्र, और जैन विद्वान भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो संगम युग में हमें पांच महाकाव्यों का अध्ययन करना होता है, लेकिन पांचों महाकाव्यों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, केवल तीन महाकाव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। पांच महाकाव्य केवल गिनती में मिलते हैं, लेकिन तीन महाकाव्यों का अध्ययन हमें करना होता है। पहला शिलप्पाधिकारम हो गया, दूसरा मणिमेखलई हो गया, और तीसरा आपके सामने जीवक चिंतामणि। तो याद कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। शिलप्पाधिकारम का लेखक इलंगो आदिगल है, मणिमेखलई का लेखक शीतलई सतनार है, और जीवक चिंतामणि का लेखक तिरुथक देवर है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं तीनों महाकाव्यों की जानकारी हमें मिलती है। इन महाकाव्यों को संगम साहित्य में नहीं शामिल किया जाता। देखो संगम साहित्य की बात अलग है और महाकाव्यों की बात अलग है। तो संगम साहित्यों में महाकाव्यों को शामिल नहीं किया जाता, महाकाव्य बिल्कुल अलग हैं। जैसे उत्तर भारत में हम लोग रामायण और महाभारत नामक महाकाव्य का अध्ययन बिल्कुल अलग से करते हैं, उनको ऐसा थोड़ा ना है कि वैदिक ग्रंथों में शामिल किया जाता है। पुराण में उनको शामिल किया जाता है, वेदों में उनको शामिल किया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों में उनको शामिल किया जाता है, उपनिषदों में उनको शामिल किया जाता है, नहीं शामिल किया जाता, उनको बिल्कुल अलग से हम लोग पढ़ते हैं। वैसे ही संगम साहित्य से अलग इन महाकाव्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अन्य काव्य बलयपति और कुंडल केसी हैं, ध्यान रखना ये पांचों आपके सामने हो गए, ये पांचों आपके सामने महाकाव्य हो गए, ये पांचों महाकाव्य आपके सामने हो गए। अब देखो जहां पे हम आ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां का, चोल राज्य, चेर राज्य और पांड्य राज्य। यहां पे देखो चोल राज्य है, चेर राज्य है, पांड्य राज्य, तीनों राज्य हैं आपके सामने, चोल चेर पांड्य। अब राज्य क्षेत्र मतलब स्थिति हमने आपको पहले ही मैप के माध्यम से बता दी है, उत्तरी पूर्वी दक्षिण भारत में ये स्थित है, पहले भी आपको बताया चोल राज्य के बारे में, चेर राज्य के बारे में बताया दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित है, पांड्य राज्य के बारे में पहले भी हमने बताया मैप के माध्यम से कि सुदूर दक्षिण भारत में स्थित है। अब बात है कि जो चोल राज्य है इसका प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल क्या है, तो बाघ है। बाघ जानते हैं आप सभी लोग, बाघ है ना, तो इसको याद रखिएगा, बाघों का इतिहास थोड़ा चर्चा में भी है।
इसलिए भी याद रखिएगा, तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण भारत का ऐसा कौन राज्य है जिसका प्रतीक चिन्ह बाघ है, तो यहाँ पे आपके सामने चोल राज्य है, चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ है। इसके बाद में चेरों का धनुष है, चेरों का धनुष है। और एक खास बात, ये जो पांड्य राज्य है इनका जो प्रतीक चिन्ह है मछली है। अभी देखो पूर्वी भारत में आप लोग जाते होंगे तो बिहार के आगे जैसे ही पश्चिम बंगाल जाते होंगे, या बिहार की बात भी कर रहे हैं या ओडिशा की बात कर ली जाए या अभी उत्तर पूर्व के अन्य क्षेत्रों की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे मुख्यतया ये देखा जाता है कि कोई विशेष स्थिति होती है तो यहाँ पे मछली की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? मछली की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि केवल उत्तर भारत में ही मछली की पूजा की जाती है, दक्षिण भारत में जो प्राचीन भारत में पांड्य राज्य है यहां तो सिंबल ही है, यहां तो प्रतीक चिन्ह ही मछली है। ये देखिए ये पांड्य राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो मछली है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो चोल राज्य आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है, इस चोल राज्य की राजधानी क्या है? तो चोल राज्य की जो पहली राजधानी है वो उरैयूर है, और ये बंदरगाह भी, ये ध्यान रखना आप सभी लोग। तो भाई बंदरगाह तो अत्यंत उपयोगी क्षेत्र होता है, तो उसकी इसी महत्ता के कारण उसको राजधानी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो चोल राज्य की पहली राजधानी उरैयूर है, ध्यान रखना आप सभी लोग, ये बहुत पूछा जाता है आपसे, यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। यहां पे क्या करना है? थोड़ा सा अलर्ट रहना है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये तो पहली राजधानी है, और दूसरी राजधानी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि दूसरी जो राजधानी है वो पुहार है, और पुहार को ही कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है, पुहार को ही कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखना आप सभी लोग, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक। और यहां पे आपके सामने क्या है? चेर राज्य है जिसका प्रतीक चिन्ह है धनुष, और चेर राज्य की राजधानी क्या है? बांजी को इस तरीके से समझ सकते हैं, बाजी को पाजी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि पाजी पुरुष को कहा जाता है, और बाजी किसको बोला जाता है? बाजी शायद बहन को बोला जाता है, किसको बोला जाता है? मुस्लिम धर्म और संप्रदाय में ज्यादा बोला जाता है ना, बाजी। याद आ रहा है? हाँ, बाजी को पाजी मत समझ लीजिएगा आनंद भैया। तिवारी जी, हाँ भाई को पाजी बोल दीजिएगा, वो बात ठीक है। हाँ बहन को बाजी बोलिएगा, सर बड़ी बहन को बोला जाता है ना। हाँ वो तो अभी आप लोग चैट में चर्चा कर लेंगे, ये सब जानते रहिएगा आप सभी लोग, ये आप सभी लोग इस बात को जानते रहिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कल भी क्लास होगी ठीक है, और कल क्लास आपकी होगी 5 बजे से, ध्यान रखना कल आपकी क्लास होगी 5 बजे से। तो यहां पे बांजी की बात की जाती है या करुयर की बात की जाती है, और तोंडी की बात की जाती है। तो बांजी या करुयर पहली राजधानी है और तोंडी दूसरी राजधानी है, सब बंदरगाही नगर है, ध्यान रखना ये दक्षिण भारत के सारे बंदरगाही नगर हैं, सब ये पोर्ट साइट हैं। और ये जो पांड्य राज्य है आपके सामने, इस पांड्य राज्य की राजधानी क्या है? कोरकई है, और बाद में मदुरई, और मदुरई को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी मदुरई और दक्षिणी मदुरई। किसमें बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी मदुरई में बांटा जाता है और दक्षिणी मदुरई में बांटा जाता है, ध्यान रखना उत्तरी मदुरई और दक्षिणी मदुरई में बांटा जाता है। आप देखो थोड़ा सा थोड़ा सा
संगम साहित्यों का भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने मुख्यतया तीन महाकाव्यों का अध्ययन किया, तो महाकाव्यों की बात अलग है और संगम साहित्यों की बात अलग है, तो दो तीन संगम साहित्यों का अध्ययन भी कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग चोल शासकों से अध्ययन करना शुरू करेंगे, और जो पहला चोल शासक आपको एलारा मिलता है वहां से इतिहास का अध्ययन शुरू करेंगे। एलारा है, फिर करिकाल है, इन सब शासकों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक। फिर चोल प्रशासन व चेर प्रशासन, इनका अध्ययन किया जाएगा, संस्कृतियों का अध्ययन भी किया जाएगा। तो एक ग्रंथ आपको मिलेगा अहना नरु, एक ग्रंथ आपको मिलेगा संगम साहित्य में, इसका नाम है अहना नरु, और इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है मामल्लनार। मामल्लनार इसका लेखक है, ध्यान रखिएगा, मामल्लनार इसका लेखक है, अहना नरु का लेखक मामल्लनार। थोड़ा कठिन है, इसीलिए इस क्लास को आपके बीच में लाया भी गया है, क्योंकि कठिन होने की वजह से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो पढ़ लीजिए, क्लास को शेयर भी कर लीजिए, अन्य लोगों का भी भला हो जाए, है ना। अंकित पाठक, अंकित पाठक, हाँ 5 बजे क्लास होगी, चिंता मत कीजिए, ठीक। तो इसका लेखक मामल्लनार है, मदुरई का निवासी है। कहां का निवासी है? मदुरई का निवासी, और आप सभी लोग जानते हैं मदुरई पांड्य राज की दूसरी राजधानी है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे शब्दों को ध्यान रखिएगा। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये जो अहना नरु नामक पुस्तक है, दक्षिण भारत में मौर्यों ने पहली बार आक्रमण किया। हमने आपको बताया भी होगा, जब मौर्य साम्राज्य का अध्ययन कराया होगा तो ये बताया होगा कि भाई मौर्य साम्राज्य भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, और इतना बड़ा साम्राज्य था कि इतना बड़ा अंग्रेजों का साम्राज्य भी नहीं था। भारत की सीमा इस समय अफगानिस्तान से लगती थी, पाकिस्तान की तो बातें छोड़ दीजिए, है ना। तो दूसरा जो ग्रंथ है उसको आप सभी लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तोल काप्यम, ये व्याकरणिक ग्रंथ है और इसकी रचना तोल काप्यम ने की थी, ठीक। एक ग्रंथ आपको और मिल रहा है, इसको मैं पुनः लिख देता हूं, पदित पातु, पदित पातु ऐसे लिखा जाएगा, और इसके लेखक का नाम नहीं पता चलता। इसमें 8 चेर शासकों के शौर्य यानी वीर गाथा का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? वीर गाथा का वर्णन मिलता है, किसमें? पदित पातुह में, यह भी ध्यान रखिएगा, पदित पातुह में। और एक ग्रंथ है, इसका नाम एलादी है, एलादी के लेखक का नाम मुख्यतया नहीं पता चलता। इसमें चारों वेदों का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा, चारों वेदों में जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन चारों वेदों के बारे में कुछ मूल मूल बातों का उल्लेख मिलता है, और यहां पे औषधियों का वर्णन भी मिलता है, ध्यान रखना आप सभी लोग, औषधियों का वर्णन मिलता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वो कौन सा भारत का सबसे पहला ग्रंथ है जिसमें पहली बार औषधि का उल्लेख मिला, तो क्या बताओगे भैया लोग? मुनीस, बाबू मनीष, वो कौन सा पहला ग्रंथ है? मैं आपको क्वेश्चन के रूप में बताता हूं, देखिए क्वेश्चन के रूप में देखिए, वह कौन सा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है? एक सामान्य प्रश्न है आपके सामने, उल्लेख मिलता है, और मान लो विकल्प आपके सामने दिया जाए, विकल्प आपके सामने हो अर्थशास्त्र, विकल्प आपके सामने हो अर्थशास्त्र, विकल्प आपके सामने हो इंडिका, विकल्प आपके सामने हो चरक साहित्य, विकल्प आपके सामने हो अथर्ववेद, फिर क्या सही होगा बाबू लोग, क्या सही होगा बताइए? तो जरा मैं चैट देख रहा हूं, सामने से हटा हुआ हूं, भारत का, सुरुचि,
यही प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है। बताइए। हेतल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया, आ जाओ फटाफट। हेतल भी आ जाइए, आपका भी स्वागत है। काफी जल्दी आ गए। और चिंटी नहीं है क्लास में क्या भाई? आनंद, भीषम, अविनाश झा, आर्यन क्या होगा भाई? बताइए बताइए अनुज, उत्तर बताओ। मांडवी शुक्ला, सुरुचि, तरन्नुम। चरक संगीता पहले आई कि पहले अथर्ववेद आया? तरन्नुम साहिबा। रांची झारखंड, रांची के लोग तो बड़े पढ़े लिखे होते हैं भाई। तो पहले चरक संगीता आई या पहले अथर्ववेद आया, क्योंकि उल्लेख दोनों में मिलता है। अभिषेक साहब, अभिषेक द्विवेदी, तुम प्रयागराज में मिले नहीं मुझसे? अभी आने वाला हूं फटाफट, ठीक? तो मिलना प्रयागराज में। तो इसमें उत्तर क्या होगा भाई? इसमें उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद अगर देखा जाए तो चरक साहब से भी प्राचीनतम ग्रंथ, क्योंकि जहां तक चरक की बात की जाती है, चरक संहिता में मुख्यतया आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। और चरक के बारे में कहा जाता है कि चरक कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के दरबार में रहता था, और कनिष्क का समय 78 ईस्वी से 102 ईस्वी का है। ईस्वी का है, बीसी का नहीं है। और वेदों का जो समय है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी का है। सोचिए आप सभी लोग, गौर कीजिए तो कितना अंतर है ना, कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो पहला ग्रंथ कौन सा है? पहला ग्रंथ अथर्ववेद है, जो औषधि का उल्लेख करता है, जो जादू टोना टोटका इन बातों का, मैजिक का भी उल्लेख करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, गौर कीजिएगा इस बात पे, दिक्कत मत पैदा कीजिएगा। तो ये जो एलादी नामक ग्रंथ है, इसमें भी औषधियों का वर्णन मिलता है, लेकिन ये दक्षिण भारत का पहला ग्रंथ है। और मदुरई कांजी, ये पांचवा संगम साहित्य है, और इसका लेखक मानगुडी मर्दन था। मानगुडी मर्दन, थोड़ा नाम बड़े बड़े यहां पे मिलेंगे। आप जब आईएएस बनेंगे तो एकेडमी में भी साउथ इंडियन आपको मिलेंगे, है ना? उनका थोड़ा सा पहनावा बिल्कुल अलग होता है, सफेद वस्त्र मोस्टली वो लोग धारण करते हैं। तो उनका पहनावा होता है कुर्ता पैजामा, है ना, धोती होती है, गमछा टाइप का होता है। आप देखो जो हमारे वित्त मंत्री साहब पहले थे, पी चिदम्बरम साहब, दक्षिण भारतीय नेता को देखो, मुख्यतः वैसे ही वस्त्र धारण करते हैं। तो अपनी वेशभूषा है, अपनी क्या है, अपनी वेशभूषा है। और एक ग्रंथ है, इसका नाम है कुरल। इसको तिरुवल्लुवर ने लिखा था। इसके लेखक का नाम क्या है? तिरुवल्लुवर है, ध्यान रखना। यह तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ है। इसमें धर्म, देखो ध्यान रखना आप सभी लोग, इसमें धर्म अर्थ और काम ये तिवर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया। अब मोक्ष की बात इसमें नहीं की जा रही, यानी तिवर्ग में किसको शामिल किया गया? धर्म अर्थ और काम, मोक्ष को नहीं शामिल किया गया। और चौथा है जिसको चतुर्वर्ग में शामिल किया जाता है, वो है मोक्ष। तो तिवर्ग धर्म अर्थ काम का उल्लेख किसमें मिलता है? इस कुरल नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसके लेखक तिरुवल्लुवर हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आधार ग्रंथ कहा गया है, बेसिक है तमिल साहित्य का। तमिल साहित्य का ये जो कुरल साहित्य है, ये आधार ग्रंथ है, कुरल साहित्य। तिरुवल्लुवर इसके लेखक है। धर्म अर्थ और काम का उल्लेख इसमें मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है साहब लोग? धर्म अर्थ और काम का उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। धर्म, हाँ राहुल तुम समझ गए बात को, मोक्ष छूट गया। धर्म अर्थ और काम का उल्लेख इसी साहित्य में मिलता है, ध्यान रखना आप सभी लोग, इसी साहित्य में मिलता है, इसी साहित्य में मिलता है, ठीक।
तो आज की क्लास यहीं पे बंद किया जाए, कल से पढ़ा जाएगा, कल 5 बजे से क्लास होगी, पढ़ना है ना। अंकित पाठक भैया, क्योंकि कठिन है ना थोड़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और आगे बढ़ा जाए। बोलो। हाँ, कल 5 बजे से क्लास होगी दिन में, ठीक। ठीक है, ओके ओके। हाँ, आज पूजा पाठ का भी समय है, छठ पर्व भी है हमारी तरफ से, और आप लोगों के अपने चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां सूर्य पूजा की, छठ पर्व की। तो कल से 5 बजे से क्लास होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हिस्ट्री विद संजीव पांडे के नाम से हमारी आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा, है ना। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको भी आप सभी लोग, वहाँ पे आपको लिंक वगैरह मिल जाता है हमेशा, क्लास शुरू होने के पहले, क्लास शुरू होगी तो लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आज की मुलाकात यहीं तक बाबू लोग, कल ध्यान रखिएगा 5 बजे से पक्का कल क्लास होगी, 5 बजे से कल क्लास होगी, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं कहाँ था, मैं था प्रयागराज इलाहाबाद, लेकिन कल क्लास होगी। अच्छा, 5 बजे की टाइमिंग सही है अभिषेक, हाँ तुम कह रहे हो तो 5 बजे से ही पढ़ाएंगे, देखो तुम्हारी बात को हम कितना मानते हैं, ठीक। हाँ, तो 5 बजे से कल क्लास होगी। टेलीग्राम आईडी मेरे नाम से ही है, मेरे नाम से ही है टेलीग्राम आईडी, ठीक है ना। आप सर्च कर लोगे तो मैं मिल जाऊंगा टेलीग्राम आईडी में। टेलीग्राम आईडी आप सभी लोग शेयर कर लिया कीजिए चैट वगैरह में। हाँ, कल यहीं पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चोल शासक, चेर शासक और पांडे शासकों का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, ठीक। राजनीतिक इतिहास, अभी तो हम लोग साहित्यिक इतिहास पढ़े, कल राजनीतिक। हाँ, क्लास हो जाएगी तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, दोहरा लीजिएगा, सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सेम यही पीडीएफ। ठीक, ओके ओके, ध्यान रखना, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, मिलते हैं कल 5 बजे, ओके ओके। हाँ, ये रोहित शेयर कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल का नाम, तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, ओके, बाय बाय, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अपना।